नमस्कार। इसके 11 के सिलेबस में डे 68 में चैप्टर संख्या 6 चल रहा है अपना, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम यांत्रिक ऊर्जा। गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा के बारे में हमने डिटेल पढ़ ली। गति की कारण जो ऊर्जा रहती है 1/2 mv2, स्थिति ऊर्जा अलग अलग निकालनी, डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग स्थिति ऊर्जा पूछी जाएगी, बाय नेम दी जाएगी स्थिति ऊर्जा। जैसे अगर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा पूछा गया तो लिखा जाएगा कि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या है, परिभाषित करो या उसका सूत्र लिखो, ये किस पर निर्भर करती है। तो हमने U=mgh निकाल लिया था गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। स्प्रिंग की बात की थी तो पिछली क्लास में हमने स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा सोल्व की थी, U = -1/2 kx2। माइनस क्या बताते हैं कि जो प्रत्यानयन बल लगाता है स्प्रिंग, वो हमारे द्वारा उत्पन्न विस्थापन के विपरीत दिशा में लगाता है। अब मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? किसी भी कण के लिए गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है इसकी, गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा, सीधा ये लिख सकते हैं आप एक ही लाइन में, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होती है गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को ई से लिख देते हैं कुल ऊर्जा को, गति ऊर्जा को के से लिखते हैं और स्थिति ऊर्जा को। इसका मतलब यदि हमें कुल ऊर्जा कहीं पर भी निकालनी है तो ये समीकरण काम में लेनी है। वैसे तो कुछ नहीं है, ये समीकरण क्या है, दोनों का योग है। तो हमें निकालना क्या, अलग से गति ऊर्जा और अलग से स्थिति ऊर्जा, दोनों का टोटल कर दो वो आ जाएगी कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। अब इसकी खास बात क्या है, यांत्रिक ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। संरक्षित का मतलब पहले भी हम पढ़ चुके, जैसे ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, जैसे ये यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ये कह सकते हैं। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कि यांत्रिक ऊर्जा का जो मान है किसी भी समय पर देखें, किसी भी कण के लिए देखें, किसी भी स्थिति पर लें, यांत्रिक ऊर्जा नहीं बदलती है कभी। गतिज ऊर्जा बदलती है, स्थिति ऊर्जा भी बदलती है, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा नहीं बदलती। अगर किसी कण के लिए 10 बिंदु ले ले, आप यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, तो यहाँ गति ऊर्जा अलग हो सकती है, स्थिति ऊर्जा अलग हो सकती है, या जो गति ऊर्जा यहाँ थी वो यहाँ नहीं होगी, उसका मान बदल गया तो स्थिति ऊर्जा भी बदल जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी यांत्रिक ऊर्जा उतनी रहेगी, यहाँ पर भी यांत्रिक ऊर्जा उतनी रहेगी, यहाँ पर भी उतनी रहेगी और यहाँ पर भी, यानी जितने भी बिंदु लें हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा का जो मान है वो प्रत्येक बिंदु पर निश्चित रहता है, नियतांक रहता है, वो नहीं बदलती है। इसके इसे कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम एक टॉपिक ले रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक सभी में लागू होती है ये बात, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए कण के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का मतलब ध्यान रखें कि प्रत्येक बिंदु पर किसी कण के लिए, लिख देता हूं मैं, किसी कण के लिए प्रत्येक बिंदु पर यांत्रिक ऊर्जा का मान नियत रहता है, निश्चित रहता है, यानी बदलता नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं K+U = constant, ऑलवेज कॉन्स्टेंट, हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगा, इसका मान नहीं बदलेगा। यू पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण क्या है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण क्या है, तो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा का मान प्रत्येक बिंदु पर निश्चित रहता है, इसी को यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, बड़े क्वेश्चन में जो बहुत बार लगभग हर बार ही पूछ लिया जाता है 3 नंबर में या 4 नंबर में, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सत्यापन कीजिए, सिद्ध कीजिए कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो हमें क्या करना है, हम अलग अलग स्थितियां मान लेंगे, ले लेंगे और उन पे क्या करना है, गति ऊर्जा निकालना हमने सीख लिया 1/2 mv2, स्थिति ऊर्जा हम किसकी बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए कण की, जब कण गिर रहा है तो उसकी स्थिति परिवर्तित हो रही है,
तो वहां कौन सी ऊर्जा होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा। कौन सी स्थितिज ऊर्जा, वहां गति किसके अधीन हो रही है, गुरुत्वाकर्षण के अधीन हो रही है। तो कौन सी स्थितिज ऊर्जा होगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh, ये भी हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। अब इन दोनों बातों का यूज करेंगे और हम सिद्ध कर लेंगे कि यहाँ देख लो और यहाँ देख लो और यहाँ देख लो, कितने भी बिंदु लेकर हम उसमें देख सकते हैं। तो हम अलग अलग स्थिति के तीन बिंदु ले लेंगे उसके अंदर और हम सिद्ध कर देंगे कि सब जगह स्थिति ऊर्जा, सॉरी कुल ऊर्जा का जो मान है, यांत्रिक ऊर्जा E का मान जो दोनों के योग के बराबर है, उसका मान हमेशा निश्चित रहता है, वो बदलता कैसे भी बदलता वो देखते हैं, इसका प्रूफ करते हैं, सत्यापन करते हैं। इसके लिए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि माना कोई कण धरातल से h ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। अब उसको गिराया जा रहा है तो ऊंचाई से कहां आएगा, वो नीचे की ओर आएगा। पहले स्थित है तो विराम अवस्था में है, छत पर है। मान लो कोई व्यक्ति किसी पत्थर को लेकर खड़ा है, छत पे खड़ा, तो उसके हाथ में है वो पत्थर, हाथ में, तो वहां क्या है, वो कौन सी अवस्था है उसकी, विराम अवस्था है, कण की विराम अवस्था है, ठीक है। तो वहां पर हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे और स्थित ऊर्जा। अब वो छत से गिरा तो वो इतनी देर तक हवा में, जब तक वो जमीन पे नहीं है, तो हम कोई भी एक बिंदु मान लेंगे हवा में वो यहाँ है, तो उसके लिए निकाल लेंगे हम गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। फिर लास्ट में कहाँ आएगा, वो जमीन पर आएगा, तो तीसरा बिंदु हम जमीन कर लेंगे, ठीक है। हवा में कहीं पर भी कोई भी बिंदु मान लो, सबके लिए कॉमन बात आएगी, ठीक है। और तीसरा बिंदु हम मान लेते हैं जमीन पर। तो अलग अलग जगह के हो गए, अलग अलग रिजल्ट आएंगे इनके, लेकिन जब हम टोटल करेंगे तो हम देखेंगे रिजल्ट सेम आएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या ले रहे हैं, तीन स्थितियां ले रहे हैं। देखो यहाँ है कण, इस समय कण यहाँ है, ये पहली स्थिति ले रहे हैं, ये तो है धरातल, और ये कण है यहाँ, और कैसी अवस्था में है, विराम अवस्था में, ठीक है, विराम अवस्था में, गति नहीं कर रही, गति नहीं कर रही। बाद में हम बात करेंगे कि कण को छोड़ दिया गया और रास्ते में है कण, तो हम दूसरा बिंदु यहाँ लेंगे, फिर उसकी बात करेंगे, फिर तीसरा बिंदु यहाँ। तो अभी तो इसकी ऊंचाई क्या है, ये है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कि ये फर्स्ट, और कण कहाँ है, बिंदु ए पर है। जब कण बिंदु ए पर स्थित हो, अब यहां हमें निकालना है यांत्रिक ऊर्जा, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी ऊर्जाएं हैं, दो है, एक गतिज ऊर्जा और एक, दोनों के बारे में पता है गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv2। कण का द्रव्यमान मान लेते हैं क्या है, कुछ ना कुछ तो हो गई बात द्रव्यमान उसका, तो द्रव्यमान मान लिया कण का क्या है, m है, ठीक है। अब यहां पर उसका वेग कितना है, कितना है वेग उसका, जीरो है, जीरो है ना, रुका हुआ है वो, विराम अवस्था में जीरो है। तो गतिज ऊर्जा क्या हुई, गतिज ऊर्जा हुई इसी स्थिति में k बराबर 1/2 mv2। m तो m है ही, लेकिन यहाँ क्या है, v बराबर जीरो, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कण विराम अवस्था में, इसलिए k बराबर क्या हो गया, आगे बात समझे, k बराबर जीरो। कैलकुलेशन नहीं है ज्यादा, ज्यादा क्या है, ज्यादा कंसेप्ट ही समझना है हमें कि हम कर क्या रहे हैं, बस वो ही समझना है, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv2 एंड हियर v इज इक्वल टू 0, देन k विल बी 0, k का मान 0 हो गया, क्लियर। सेकंड बात लेते हैं हम इसमें स्थिति ऊर्जा। अब हमें स्थिति ऊर्जा भी तो पता है क्या होती है, क्या होती है स्थिति ऊर्जा, होती है mg। कण किधर आ रहा है, कण यहां विराम अवस्था में है, इसका द्रव्यमान कितना है, इस पर जी काम कर रहे हैं, त्वरण किसके बराबर, कौन सा त्वरण लग रहा है, जी लग रहा है, तो जी जी है ही। दूसरा ऊंचाई कितनी है इसकी, इसलिए इसका मान क्या है, यू बराबर क्या है, mgh, ऐसा का ऐसा ही, क्लियर। तो कुल ऊर्जा क्या हुई, ई बराबर, कुल ऊर्जा ई बराबर हुई के प्लस यू, और के का मान कितना है, जीरो, प्लस mgh, तो E का मान क्या आ गया, mgh। समीकरण नंबर 3 पे इसको A, हमने एक स्थिति को सॉल्व कर लिया जिसका मान क्या आ गया, mgh, क्लियर।
अब दूसरी स्थिति लेते हैं कि ये सेकंड जब कण गतिशील अवस्था में है तथा बिंदु B पर है, अब बिंदु B क्या है, अब हमने इसको छोड़ दिया क्योंकि हमें तो बताना है ना ऊर्जा संरक्षित निश्चित रहती है, कब बताएं अलग अलग जगह बताएं, अब हमने इसको छोड़ दिया तो कण आएगा नीचे की तरफ आएगा, जब छोड़ा है तो पहले तो पकड़ी रखा था, अभी तो छोड़ा है तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया जीरो, अंतिम वेग क्या हो गया उसका वी हो गया, अंतिम वेग कुछ भी हो सकता है, वो तो किस पे डिपेंड करेगा, इस पे ऊंचाई पे डिपेंड करेगा, कितनी ऊंचाई पर कितनी दूरी तय कर रहा है, हमें पता है जैसे हम छोड़ेंगे तो जीरो था वेग, छोड़ने के बाद जैसे नीचे आएगा आकर्षण बढ़ता जाएगा और उसका वेग भी बढ़ता जाएगा, सबसे ज्यादा वेग कब होगा जब वो जमीन को टच करेगा तब सबसे ज्यादा वेग होगा, तो बीच में किस पे डिपेंड करेगा, बीच में दूरी पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखना एक बात दो बातें लेकिन इसमें अलग अलग, जब हम गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो कण कहां से आ रहा है ऊपर से आ रहा है, तो उसकी दूरी भी कहां से लेंगे ऊपर से, जब स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो ऊंचाई लेते हैं, ऊंचाई कहां से लेंगे नीचे से, ठीक है ना, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, हम इसके अंदर क्या एज्यूम कर रहे हैं कि कण को हमने यहां से गिरा दिया है और किसी समय कण आ गया यहां पर, कुल ऊंचाई तो कितनी है इसकी h है, अब ये यहां u का मान कितना था इसका जीरो, नीचे की ओर आ रहा है कण, a बराबर क्या है जी, त्वरण कितना काम कर रहा है इसपे गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर, प्लस में है ना नीचे आ रहा है इसलिए प्लस में, अगर ऊपर जाता तो क्या होता, ठीक है, और ये जो दूरी है वो कितनी है पता नहीं है, हम इसको मान लेते हैं कितनी भी हो सकती है, हर जगह अलग अलग होगी, हमने कोई भी एक बिंदु बी मान लिया, यहाँ होगी तो अलग होगी यहाँ होगी तो अलग होगी, कितनी भी हो उसको हमने मान लिया एक्स है, ये बिंदु बी है, कण का द्रव्यमान जो था वो क्या है एम द्रव्यमान है कण का, तो ये इतनी नीचे वाली दूरी कितनी बचेगी, इसको हम किसमें से एच में से एक्स घटा देंगे बाकी बच गई नीचे वाली पूरी कितनी एक्स, ऊपर वाली कितनी है एक्स है पूरी कितनी है एच, एच में से एक्स घटा देंगे बाकी बच जाएगी, तो अब हमें क्या निकालना है, देखो गतिज ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए वेग चाहिए, स्थितिज ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए ऊंचाई चाहिए, अब वेग निकाले कहां से निकाले, प्रारंभिक वेग तो जीरो है, अंतिम वेग हमें यहां पता नहीं है तो हमें अंतिम वेग निकालना है, पहले तो वेग निकालेंगे तभी तो वेग की जगह रखेंगे, यहाँ गतिज ऊर्जा आ जाएगी ना, गतिज ऊर्जा में क्या चाहिए वेग चाहिए, यहाँ तो जीरो था रख दिया लेकिन यहाँ जीरो थोड़ी, यहाँ तो गति कर रहा है वो कर रहा है तो उसका वेग हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है कैसे निकालें, इसके लिए हमारे पास गति की समीकरण है, गति हो रही है तो कौन सी समीकरण काम आएगी, गति की समीकरण, अब हमें u दे रखा है v हमें ज्ञात करना है और दूरी दे रखी है हमें x दूरी तय कर रहे हैं, तो हमारे पास तीन चीजें हैं, समय नहीं है ना इसके अंदर, देखो गति की समीकरण कैसे लगाते हैं वो भी हमें देखना है, एक वैल्यू ऐसी होगी जो हमारे पास नहीं होगी वहां, उस वैल्यू से संबंधित दो समीकरणें होंगी उन दोनों को छोड़ दो तीसरी बचेगी, या समय का कोई जिक्र नहीं है तो उसका यूज नहीं कर सकते, दूसरी समीकरण में समय आता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर उसका यूज नहीं कर सकते, तीसरी समीकरण होती है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस उसमें समय नहीं आता, बी आ रहा है हमें निकालना चाहिए ना, यू आ रहा है हमें दे रखा है यू का मान जीरो है, ए आ रहा है ए का मान जी है, एस आ रहा है दूरी दे रखी है एक्स है एस का मान रख देंगे सारे मान, तो यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ प्रारंभिक वेग कितना है इस स्थिति में, प्रारंभिक वेग है सबसे पहले तो जो बातें दे रखी है वो लिख लें, यू का मान जीरो है ए का मान जी है अंतिम वेग बी है, ठीक है तो गति की तीसरी समीकरण से कौन सी है तीसरी समीकरण बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस और यहाँ एस बराबर क्या है एक्स, तो मान रख दें बी स्क्वायर बराबर यू का मान जीरो रखेंगे टू ए का मान जी रखेंगे एस का मान एक्स रखेंगे तो बी स्क्वायर बराबर आ गया टू जी एक्स, अब हमें देखो वी का मान निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वी का मान निकालेंगे अंडर रूट में आ जाएगा निकाल दो या फिर स्क्वायर करना है तो हमें क्या चाहिए यहाँ वैसे बी स्क्वायर ही तो चाहिए बी स्क्वायर ही आ रहा है तो डायरेक्टली रख दो अंडर रूट करने की जरूरत है
तो गतिज ऊर्जा निकाल लें, गतिज ऊर्जा क्या है, के बराबर एक बटा दो एम वी स्क्वेयर, एक बटा दो एम ऐसा कैसा, वी का मान रख दो कितना है, वी स्क्वेयर का मान टू जी एक्स, टू जी एक्स, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया के बराबर एम जी एक्स, ये आ गया ना के बराबर एम जी एक्स, ये तो किसका मान आया, गति ऊर्जा। अब हमें निकालना क्या, स्थिति ऊर्जा, फिर जोड़ना है इनको, स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा u बराबर क्या होती है, एम जी एच होती है ना, लेकिन यहाँ h क्या होती है, ऊंचाई होती है, कहां से, धरातल से, कहां तक की, जहां पर कण उपस्थित है वहां तक की ऊंचाई होती है, तो यहां से, यहां से ये तो धरातल है, यहां से कण कहां स्थित है, कण कहां स्थित है, बी बिंदु पर स्थित है, तो इसकी ऊंचाई यहां से नीचे से लेनी है, ऊंचाई हमेशा जमीन से, तो यहां से ऊंचाई कितनी है, यहां से ऊंचाई है h में से क्या घटाते हैं, x घटाते, ठीक है, तो यहां h बराबर क्या है, h बराबर है h माइनस x, ये रख दो तो u बराबर आ गया एम जी एच माइनस x, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा e बराबर क्या होती है, k प्लस u, k का मान क्या है एम जी एक्स, प्लस यू का मान क्या है एम जी एच माइनस एक्स, एम जी का अंदर गुणा कर दें एच से गुणा कर दें तो एम जी एच, माइनस एम जी का एक्स से गुणा कर दें तो एम जी एक्स, तो ई इज इक्वल टू आ गया एम जी एच प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स, एम जी एच से एम जी एक्स कैंसिल आउट हो गया, ई का मान क्या आ गया एम जी एच, समीकरण नंबर दे दो इसको दो, ये हमने दूसरी स्थिति में निकाल लिए, पहली स्थिति में कितना है MgH कुल ऊर्जा, दूसरी स्थिति में कितनी है MgH कुल ऊर्जा, दो से सिद्ध हो गया, वैसे तो दो से भी पता चल रहा है भी दो बिंदु पर समान है तो ऊर्जा समीकरण सिद्धांत लागू हो रहा है यहाँ, लेकिन हम एक बिंदु और ले लेते हैं कि जब नीचे गिरेगा तो कुछ अलग स्थितियां नहीं हो जाए, ठीक है, उसके लिए भी हम सोल्व कर लेते हैं, तो केस थर्ड क्या, जब कण धरातल पर गिरता है और उसको हमने क्या ले लिया बिंदु सी पर, तो बिंदु सी नाम देते हैं, अब कण कहाँ है, यहां गिर गया, गिर गया ये यहां पहुंच गया, ये कण है इसका द्रव्यमान m है, ठीक है, और ये बिंदु सी है, क्लियर, अब चलना शुरू कहां से हुआ था, यहां से u बराबर क्या था जीरो, अब ऊपर से देखेंगे तो दूरी हम क्या मान रहे थे x मान रहे थे ना, x मान रहे थे, अब ये कहां गिर गया यहां गिर गया, तो ये इतनी दूरी होगी ना x, और ऊंचाई कितनी थी पहले जब कण की h, तो h और x क्या है बराबर, ये x किसके बराबर होगा, छत जितनी ऊंची है ऊपर से मापेंगे तो भी तो उतनी ऊंची रहेगी, तो x और h क्या है बराबर है, अब हमें वही गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में निकालनी है, गतिज ऊर्जा हम ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, लेकिन s की जगह क्या रख देंगे, s की जगह क्या रख देंगे, s की जगह h रख देंगे, क्योंकि x किसके बराबर है, दूरी किसके बराबर है s के बराबर है, तो x की s की जगह क्या रखेंगे h रखेंगे, तो यहां पर वही बातें दोबारा लिख लो, चाहे प्रारंभिक वेग तो u का मान 0 है, ठीक है, a का मान g है और s का मान, तो पहले तो हम v स्क्वायर का मान निकालेंगे, यहां से v स्क्वायर बराबर क्या है u स्क्वायर प्लस 2as, u स्क्वायर का मान 0, ठीक है, प्लस 2 a की जगह g और s की जगह क्या रखेंगे h, तो v स्क्वायर बराबर आ गया 2gh, ये तो v स्क्वायर आया, अब हमें निकालनी है गतिज ऊर्जा क्या होती है 1/2 m स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर, जो किसके बराबर है 1/2m into 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो k का मान आ गया mgh, अब हमें निकालनी है स्थिति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा क्या होती है u, u क्या होता है mgh, और h कहां से लेते हैं धरातल से, कहां से लेते हैं और कण कहां पर है धरातल पर है, तो ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई कितनी होगी
जीरो धरातल से तो मापनी है ना, और कण वही तो रखा है नीचे, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? जीरो। इसलिए यहाँ यहाँ एच का मान क्या आएगा? जीरो है ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई जीरो है, कण यहीं पर है, इसलिए यू बराबर क्या देगा? जीरो। अतः इधर लिख रहा हूं कुल ऊर्जा क्या आ जाएगा? कुल ऊर्जा ई बराबर के प्लस यू होता है, तो ई बराबर के का मान कितना है? एम जी एच प्लस जीरो, ई बराबर आ गया एम जी एच। इसको दे दो समीकरण नंबर तीन, और एक देख लो, दो देख लो, तीन देख लो, ये तो तीन स्थितियां हो सकती है। ऊपर से गिराए तो सबसे ऊपर है, रस्ते में कहीं पर भी है और नीचे है, ठीक है, तो सबके लिए मान क्या रहेगा? तो देखो ऊर्जा बदल रही है, बदल रही है, गतिज ऊर्जा कम हो रही है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। देखो इस बिंदु पर क्या था? इस बिंदु पर गतिज ऊर्जा जीरो थी, लेकिन स्थितिज ऊर्जा अधिकतम थी, ऊंचाई ज्यादा, ऊंचाई पे निर्भर कर रही है ना, अधिकतम ऊंचाई तो अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, उस समय न्यूनतम गतिज ऊर्जा, हम सेकंड बुक में भी बात करेंगे लास्ट के चैप्टर में इनकी बहुत डिटेल से। जैसे कण नीचे आएगा तो क्या हुआ? ऊंचाई कम हो रही है, तो कौन सी ऊर्जा कम हो रही है? स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है, ठीक है, दाब के बारे में भी पढ़ेंगे, उसमें भी ये बातें फिर काम आएगी सारी, ऐसी कैसी नीचे आ रहे हैं तो ऊंचाई कम हो रही है ना, तो कौन सी ऊर्जा कम हो रही है? तो फिर कौन किधर गई? वो किसे बदल गई? वो किसे बदल गई? वो गतिज ऊर्जा में बदल गई। तो क्या बढ़ रही है? तो कण जब नीचे आते हैं तो क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए हमें कि कण जब नीचे आता है तो क्या स्थिति होती है। जब कण नीचे आता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा तो घटती है और गतिज ऊर्जा, ठीक है, बीच में क्या होती है, जहां मिड पॉइंट होता है वह गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा बराबर होती है, ठीक है। अब जैसे कण नीचे आएगा और नीचे आएगा कण, तो क्या होगा? स्थिति ऊर्जा कम होती 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 न्यूनतम होगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती बढ़ती अधिकतम होगी। और एक स्थिति आएगी जब कण गिर गया तो ऊंचाई जीरो हो गई, तो स्थिति ऊर्जा तो हो गई जीरो और गति ऊर्जा हो गई अधिकतम। तो हर स्थिति पर टोटल मान वही रहेगा, ऊर्जाएं बदलेंगी, ठीक है। जब हम दाब पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे, ये जो पानी की टैंकियां होती है इनको ऊंचाई पर क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि स्थिति ऊर्जा ज्यादा होगी तो जब पानी फ्लो किया आएगा उसी स्थिति में वो स्थिति ऊर्जा किससे बदलेगी? गति ऊर्जा में। और गति ऊर्जा में क्या होता है? 1/2 एम बी स्क्वायर, एम तो कांस्टेंट होता है, 1/2 है ही कांस्टेंट, तो किस पे निर्भर कर रहा है? वेग पर। इसका मतलब गति ऊर्जा बढ़ रही है तो क्या बढ़ रहा है? वेग बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, तो ज्यादा स्पीड से पानी आएगा तो ज्यादा घरों तक पहुंच जाएगा वो, ठीक है। वो कंसेप्ट भी यहीं से आ रहा है, हम उसमें फिर यही बात करेंगे, जो दाब है उसके लिए भी हम यही बात करेंगे। तो हर बिंदु पर इनका कंक्लूजन क्या है, प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा का जो मान है वो हमेशा नियत रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। गति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में बदल जाती है, स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा में बदल जाती है, लेकिन टोटल ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इसको लिख लें आप, बाकी बातें फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।